हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे यीशु मसीह की ड्राइंग। तो सबसे पहले कौन कौन से मटेरियल्स को मैं यूज़ कर रहा हूं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ये देखिए, कैमल का वाटर कलर है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हमने HD क्वालिटी की फ़ोटो ली है यीशु की, ठीक है। तो ये देखिए HD क्वालिटी की बहुत सुंदर फ़ोटो है, ठीक है। ये कैमल का वाटर कलर है, इसमें 12 कलर्स हैं, ट्यूब कलर हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम ड्राइंग को बनाएंगे। दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा देखा होगा, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं देखिए, पहले सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे। जिन दोस्तों को आउटलाइन बनाना नहीं आता, वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर उनको मिल जाए। ये सारे ब्रश हैं, ठीक है। अब वीडियो के एंड में आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ के जाके आप देख सकते हो। आउटलाइन के लिए ये दो कलर हैं, ऑरेंज कलर और ब्राउन कलर को हम मिक्स करके फेस में यूज करेंगे। तो इन दोनों को आराम से पहले हम दोनों को आधे आधे मात्रा में लेते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, बहुत आराम से करना है आपको पेंटिंग, ठीक है। और अच्छे ब्रश का यूज़ करिए, ठीक है। अगर आपके पास अच्छे ब्रश नहीं है तो आप मार्केट में ले लीजिए, 50-60 रुपये में अच्छे अच्छे ब्रश मिल जाते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा, ताकि आपको ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपके पास ब्रश, जैसे मेरे पास ये ब्रश है, ये है 0 नंबर का ब्रश है, ठीक है। 0 नंबर का ब्रश का यूज़ हम करेंगे जहाँ पर बहुत बारीकी चीज़ है, आई में, नोज में, लिप में, ठीक है। यहाँ पे हम 0 नंबर का ब्रश का यूज़ करेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ पे ज़्यादा फेस, जैसे ये फेस पे है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो 7 नंबर, 8 नंबर का जो भी आपका ब्रश है उसका यूज़ करके आप बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूँ, ताकि आप जब भी ड्राइंग बहुत फास्ट में दिख रहे हो, क्योंकि ये मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगा इसको बनाने में, ठीक है। क्या होता है कि वाटर कलर पेंटिंग है, तो इसमें आपको सूखने में भी टाइम लगता है, उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। तो बन तो 3-4 घंटे बन जाते हैं, सूखने में 1 घंटा एक्स्ट्रा मान लीजिए, उसको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो बहुत टाइम देना पड़ता है इसमें। और जैसे ये ब्रश है, ये 7 नंबर का ब्रश का यूज़ करके आप जहाँ ज़्यादा स्पेस वाला चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो आप यूज़ कर, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, कि इसमें ऑरेंज कलर और ब्राउन कलर को मिक्स करके मैंने ये स्किन कलर को बनाया है, आप भी बना सकते हो, ठीक है। बहुत आराम से आपको करना है, लेयर बाई लेयर, आराम से एकदम, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो ये इस पूरा अच्छे से बन गया है। तो आपको भी आराम से ही करना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। ये तो मैंने फास्ट कर दिया, लेकिन आपको इसी स्पीड से करना है। जैसे अब मूछ और जो बना रहा हूँ, बियर्ड जो बना रहा हूँ, ये है, इसमें ब्राउन कलर का मिक्स किया हूँ, ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक डाल दिया हूँ, ठीक है, ताकि वो हल्का सा सुनहरा कलर दिखे आराम से। लिप में रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ, रेड मेरे पास नहीं है, इसमें पिंक है, और पिंक करने के बाद मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा ऑरेंज कलर को मिक्स कर दूंगा, तो वो लाल कलर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो मुझे ऐसा लगा रेड दिख रहा है आपको, तो रेड मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। ऑरेंज कलर ब्राउन को दाढ़ी में मिक्स करेंगे, देखिए ये देखिए कर दिया तो लाल, ठीक, और रेड दिखने लगा, ठीक है। तो ये मैंने इसका इस तरह से इस्तेमाल किया है। तो बहुत आराम से आपको पेंटिंग करनी, पेंटिंग बहुत खूबसूरत बन रही है दोस्तों, आप जैसे देख ही रहे हो, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उनसे कहा था पहले, सर आप मुझे पहले बना दीजिए इस बार, ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। तो अभी 5-6 दिन का टाइम है, और टाइम ज़्यादा है, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, 5-6 दिन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रश जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 1 नंबर 0 नंबर का, इसका यूज़ इसीलिए होता है कि जहाँ बारीकी काम हो, छोटे छोटे काम हो, वहाँ पे इसका यूज़ करके आप अच्छे से कर सकते हो। मुझे और अच्छे ब्रश खरीदने हैं अभी, ठीक है। ये तो मेरे पास काम चलाऊ ब्रश है, लेकिन और अच्छे ब्रश मिल जाएंगे तो मैं और अच्छा पेंटिंग करूँगा, तो पेंटिंग मुझे करने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा फेस के अंदर के जितने भी पार्ट है बहुत अच्छे से बन रहा है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हेयर में। हेयर में मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले ब्राउन को अच्छे से पूरे हेयर में कर ले रहा हूँ, ये पहला लेयर इस तरह से कर ले, उसके बाद इसके ऊपर डार्क लेयर करूँगा, ठीक है, डार्क ब्राउन करूँगा। तब तक ये सूख रहा है, तब तक हम मूछ के अंदर जो बियर्ड है, इसमें भी थोड़ा सा इसका अच्छे से बना लेते हैं, फिनिशिंग दे देंगे तो और अच्छी दिखेगी। तो अब जो है हेयर में हम पहले डार्क एरिया कर लें, जो डार्क जहाँ जहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से बना लेते हैं हेयर को। हेयर बहुत ही सुनहरा, बहुत प्यारा है हेयर है,
और इसको भी हमें अच्छे से बनाना है ताकि ड्राइंग और अच्छे से दिखे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो स्पेस खाली है यहाँ पे हम और हल्के में करेंगे ब्राउन कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए ब्राउन कलर का यूज़ करके हमने इसको और अच्छे से पूरा हेयर कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हमें हाईलाइट करने के लिए ब्राउन और वाइट को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा देर सूख जाए उसके तब तक हम ये जो स्किन है ये क्या नाम गर्दन है, गर्दन में इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, बहुत आराम से आपको सारी चीज़ें करनी है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें हेयर को भी और अच्छे से बनाना दोस्तों। ठीक है, ये वाइट को पहले हम हाईलाइट करने के लिए ब्राउन और हल्का वाइट इसमें मिला के पहले इस तरह से मैं कर ले रहा हूँ ताकि हेयर और सुंदर दिखे। अभी बन जाने के बाद आप देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा हेयर। तो ये इस तरह से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देर सूखने के बाद इसको हम ब्राउन और वाइट को हल्का से मिक्स करके इसमें आराम से इसको करेंगे। तो देखिए हेयर बहुत ही प्यारा बन गया हेयर। ठीक है, कुछ वीडियो क्लिपिंग नहीं हो पाई थी तो इस तरह से बना हेयर। तो अब हम क्या करेंगे, हैंड को बनाएंगे। हैंड को पहले लेयर में हल्के हाथों से जो कलर है उसको यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ें डार्क करते जाएंगे लेयर बाय लेयर। आपको अच्छे से बनाना है सारी चीज़ें। तो ऐसे दोस्तों ड्राइंग बनानी है आपको और पेंटिंग आपकी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। ठीक है, तो ये पहला हैंड जो बन गया है, तो सेकंड हैंड को भी हम बना लेंगे इसके बाद। तो आई होप कि आपको ये ड्राइंग बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, ये पेंटिंग करने का तरीका मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं, मैंने कभी पेंटिंग उंटिंग ज़्यादा किया नहीं है। अभी फ़िलहाल कुछ ही पेंटिंग मैंने बनाई है तो मुझे धीरे धीरे आइडिया प्रैक्टिस में कर रहा हूँ और धीरे धीरे मुझे लगता है पेंटिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो मुझे भी इतना कलर और मिक्सिंग करने का नहीं आता है लेकिन धीरे धीरे मैं खुद ही से सीख रहा हूँ। मेरा कोई टीचर नहीं है मुझे सिखाने वाला बताने वाला, लेकिन मैं जितना मुझे आता है मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा बन रहा है और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि सर आप अच्छा बना रहे हो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पेंटिंग करने का तरीका यही है। आई होप कि आपको पेंटिंग करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे बताएं कैसा बना। हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।